हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये हमारा मंगलू है, इससे ऐसा क्या कोई पर्सनल इश्यू है आपका? इज देयर अ प्रॉब्लम? मतलब मैं समझी नहीं। नहीं नहीं, इसका बीवी है, उसका हाँ। नाम था सीला। हाँ। आपने गाना गा दिया सीला सीला की जवानी, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। लेडीज हैं तो इसने अपनी बीवी का नाम बदल के रख लिया बबली। फिर इन्होंने गा दिया बबली बदमाश है, बबली बदमाश है। ये बेचारा अपना बीवी का नाम बदलता आ रहा है, बोल रहा है कि एक बाय एक ऐसे गाने आते जा रहे हैं, अब क्या करें। तो इन्होंने अपनी बीवी का नाम कैंसिल ही कर दिया। पता है अपनी बीवी को क्या बुलाता है अब? क्या? अपनी बीवी को बुलाता है। अब ये कैसा नाम हुआ सोचिए। ये सभी अपने लेडीज के जो वाइफ है इनके सबका नाम ऐसे रख दिए। ऐसा कैसे चलेगा यार? पप्पू शर्मा आपका ऐसा नाम हो गया तो सोचिए यहाँ पे लिखा होगा दो शर्मा को। कितना प्रॉब्लम हो जाएगा सोचिए। हमको इस समस्या का हल मिल ही नहीं रहा था, फिर एक आइडिया आया हमको। क्या? क्या? किसान के पास जाते हैं क्योंकि किसान के पास हल है। It's okay, I love you too. आप लोगों का समस्या डिस्कस किया ना हमने, बहुत हुआ ना आपका, तो चलिए ना यार, अभी क्या बैठे हैं यहाँ पर, अभी तक सारे बातें तो कर लिया आपके लिए। चलिए अब हमारा भी टाइम हो गया, हम भी चलते हैं। और कोई आपको हमसे कोई बात करनी हो तो कर लीजिए, वरना हमारे जाने का वक्त है। देखिए सब क्या चाहते हैं कि जोक सुनाए हम। अभी हम जोक क्या ज्यादा सुनाते नहीं सुनिधि जी, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा माहौल बन जाता है। कॉमेडी इतना फैल जाता है ना, फिर कंट्रोल नहीं होता है कि भाई कॉमेडी को रोकें। पर चलिए ठीक है, आज आप आई हैं, जोक्स के बिना कैसे आपको ऐसे? फैला दो। एक बार एक ट्रक ड्राइवर होता है वो थोड़ा ऐसा फनी वाला जोक है। तो एक बार एक ट्रक ड्राइवर होता है, वो सड़क के रॉन्ग साइड पे जा रहा होता है, पुलिस वहां पर खड़ी है, सारी की सारी खड़ी है, बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां, पुलिस वाले हैं, कोई भी उसको नहीं रोकता। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि वो पैदल जा रहा होता है यार। बहुत माहौल बन जाता है यार, बहुत मजा आ जाता है। इसीलिए कहता हूँ ज्ञान की बात सुनाओ। देखिए ज्ञान की बात सुनिए, अगर कोई खूबसूरत लड़की एकदम सज धज के मेकअप शेकअप करके अपने घर से निकली है तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? इसका मतलब है थोड़ी देर में उसका डीपी चेंज होगा। अच्छा ये क्या ज्ञान की बात, ये टाइम वेस्ट हो गया। तो आप यहाँ पर कौन से न्यूक्लियर मिसाइल की बातें करते हैं? टाइम वेस्ट। वैसे सुनिधि जी आपको बताएं, आपने ये गाना गाया अपना क्या, वो देसी गर्ल आ देसी गर्ल 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 गर्ल। नहीं 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 नहीं, लेकिन आपने गाया प्रियंका चोपड़ा के लिए, वो तो किधर है देसी, वो तो हो गई विदेशी, अब चली गई वो तो। कोई बात नहीं, लेकिन ये देसी गर्ल वर्ल क्या है? देसी गर्ल नहीं होता है, देसी होता है घी। नहीं नहीं सच में, हम हमारे डेयरी फार्म पे ना मैन्युफैक्चर करते हैं देसी घी। आई गॉट इट विथ मी, आई विल शो यू। ये देखिए हमारे डेयरी फार्म का देसी घी है, इट इज कॉल्ड NRI। NRI मतलब? NRI। ये NRI मतलब 90 रुपए में इतना। 90 रुपए में इतना घी कौन देता है, तुझे घाटा नहीं होता? अरे खाली एडवर्टाइजिंग है यार, जब प्रोडक्ट बेचने जाएंगे तो 600-800 का बेच देंगे, एडवर्टाइजिंग में बोल देते हैं ऐसा ही चलता है। आप देखिए एडवर्टाइजिंग में क्या क्या चलता है। वो अभी वो साबुन आया, कहता है कि साबुन में दूध है। अरे उस दिन हमारी फुलझड़िया ने दूध देने से मना कर दिया था, हमारे घर में दूध था नहीं, हमारे चाचा जी ने चाय मांगी, हमने साबुन चाय में डाल के उनको पिला दी। अब हमारे चाचा जी के मुंह से जो झाग निकले। तो फिर क्या किया तुमने? अरे क्या करते यार, इतना सारा झाग दे के तो घर के सारे कपड़े लाके वो झाग में धो दिया हमने। अब तो हम चाचा जी को रोज एक साबुन खिलाते हैं और झाग में पूरा सोसाइटी का कपड़ा धप्पड़ धप्पड़ धप्पड़। जाते जाते आपको एक लाख रुपए की बात बता के जाना चाहेंगे। 50,000 50,000। तो ऐसे थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
अरे सुनिधि के पापा चौहान साहब यहाँ पे मौजूद हैं। चौहान साहब का बहुत बहुत स्वागत है। चौहान साहब इतनी बार मुलाकात हुई कभी आपसे, मैंने पूछा नहीं सर, सुनिधि आपकी द वन एंड ओनली डॉटर है? नहीं, एक बेटी और है। वो भी गाती है? बहुत अच्छा गाती है, पर वो गाती नहीं है। अच्छा, वैसे गाना आता है, आता गाती है, नहीं है। और ये सुनिधि गवाह है कि वो बहुत अच्छा गाती है। तो चौहान साहब ऐसे बच्चों में इतना संगीत कैसे भरा? आपको भी कहीं ना कहीं शौक तो होगा। मैं बहुत अच्छा सुनने वाला हूँ, अब मैं इसको सुनता हूँ। एक बात कहूँ सर? जी सर। जिस पिता की बच्ची उससे 10 गुना ज्यादा नाम कमा लेना, उसे फक्र होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत फक्र होना? नहीं, मुझे फक्र है सर। चलिए, बहुत बहुत मुबारक चौहान साहब आपको। और आपको भी बहुत बहुत बधाई, आप भी कमाल हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। एक हेडफोन लेके आइए फटाफट। परी सुनिधि के इतने सारे सुपर डुपर हिट गाने हैं, ऑब्वियसली इन्होंने सारे सुने होंगे, पर क्या जब वो गाना फिल्म में आता है ये उसके विजुअल को भी ध्यान से देखते हैं, ये आज हम पता करेंगे। तो सुनिधि अपना गाना सुनेंगी और एक्ट करेंगी उसका कोई सिग्नेचर स्टेप, और हितेश जो है वो गेस करेंगे। सुनिधि आप तो बहुत अच्छी डांसर है, हमें पता ही है, आज देखते हैं कि हितेश जो है वो अच्छा गेस कर सकते हैं कि नहीं। तो ये गाना सिर्फ आप ही को सुनेगा जी, और उसके बाद ये गेस कर पाए तो फिर हम ऑडियंस को भी सुनाएंगे। ओके। जी चिकनी जावे। वेरी नाइस, क्या बात है सर, जीत रहे हैं हर मामले में आप। थैंक यू जी। दूसरा गाना बीड़ी जलाई ले। शाहरुख। शाहरुख का गाना। एक बारी अभी तो मुझे लगता है धमकी दे रही कि सभी भी गेस कर लो, मेरे गाने नहीं गेस कर पा रहे। प्लीज। तुम्हारा गाना। चाबी। चाबी नहीं सर। सर कॉफी पियो, रहने दो। हाय कपू। हाय सुनिधि। हाय हितेश। हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। गुड टू सी यू। गुड टू सी यू टू कपू। सुनिधि, हितेश, मीट माय फ्रेंड राहुल। पाजी, मेरा दोस्त है राहुल। तुम्हें शर्म नहीं आती इसके साथ घूमते हुए? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मैं उसको पूछ रहा हूँ। कौन हो तुम? कहाँ से फंसाया बेचारे गरीब लड़के को? फंसाया है? अरे मेरा दोस्त है, हम अभी मूवी से आ रहे हैं। ओके, सच से बताना, पैसे तुमने खर्चे किए थे ना किरातीलाल? एक्सक्यूज मी, मैंने किए थे? मतलब दोस्ती में इतना तो चलता है, मतलब क्या? बैग में क्या है? कुछ नहीं है। खोल के दिखा दो। नहीं नहीं कुछ दिखा दो, ऐसे खोल के। मैंने खोला, मैं सारा सामान निकालूंगा फिर। अभी थोड़ा सा दिखा दो, कुछ तो है इसमें। है कुछ सामान, कुछ खाने पीने का कुछ। अरे तुम बाकी सामान क्यों निकाल रहे हो तुम? यही सब करती पाजी, पता है आपको? ऐसे भोले भाले लड़कों को दोस्ती करती है, फिर उनसे फिल्म देखती है, और ये सारा सामान खरीद के, एक आपको को कोल्ड ड्रिंक पीनी है, 5-5 लेती, बाद में बेचती है। आप मुझे बोलते ना कि मैं लड़ता क्यों इसके साथ? आपको पता कल ये समोसा खा रही थी, भिखारी आ गया, कहते भूख लगी दे दो, कहती अभी शुरू ही किया था खाना, 5 का लिया, तुम 4.5 दे दो। ऐसे क्यों करती हो सरला? क्या करता है ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड? ये बहुत टैलेंटेड है, इसे कम मत समझना। ये एक्टर है, सिंगर है, इंटरव्यू भी लेता है, और अब तो इसकी नारंगी भी आने वाली है। नारंगी? क्यों, तुम्हारी फिरंगी आ सकती है तो इसकी नारंगी नहीं आ सकती? चलो भारी मौका है, इसके हाथ पीले कर ही देते हैं आज। अरे मुझे नहीं करना इससे शादी, इससे अच्छी तो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो इसने पीछे मुझसे कहा था कि पैसे ले ले और बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना। ए, फुटपाथ के जोशी के पास तोता बन के बैठने वाले, तू बनेगा मेरा बॉयफ्रेंड? तू बाहर चल, तेरे तोते मैं उड़ाती हूँ, चल बटक यहाँ से, बटक। देखा भाजी, असली रंग देख रहे हैं आप सरला के? देख तो सभी रे, तुम कब देखोगे कप्पू? कितने कोशिशें मैं कर चुकी हूँ। सुनिधि आप प्लीज इसको समझाओ ना कि शादी के बाद जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। जस्ट लुक एट देम, दे आर सच अ ब्यूटीफुल कपल। जी सुनिधि चौहान। सो आई एम कंपेयरिंग गुलाची, ऐसी बीवी हो ना, खूबसूरत बीवी, सुरीली, जिंदगी का मजा आता है। तुम्हारा इधर ट्रम्पट जैसा मुंह है तो मैं क्या अभी? सरला क्यों तंग करती हो?
कपू मैं भी थोड़ा बहुत गा लेती हूँ पाजी, हूँ ना मैं थोड़ी सी सुरीली। बिल्कुल मैं जानती हूँ, और सुंदर भी है। ठां आपको पता पाजी इतनी सुरीली है ना, एक दिन सड़क पे गा रही थी, एक आदमी इसके हाथ में ब्रेड रख गया। अच्छा इसको बुरा भी नहीं लगा, कहती आज ब्रेड मिली है मैं और रियाज करूंगी, एक दिन जैम भी लेकर आऊंगी। ये सब काम करती है सुरीली। प्लीज आप इनकी बातें मत सुनो, मैं सच में आजकल ना रिहर्सल कर रही हूँ एक म्यूजिशियन के साथ। अच्छा बताओ कौन से म्यूजिशियन है वो जो ट्रेन में पत्थरों से को बजाते नहीं ऐसे टक टक करके? तेरे को गाना आता है सरला, झूठ की बोलती है। हाँ गाना आता है, मैं आजकल बपीदा से म्यूजिक सीख भी रही हूँ थोड़ा थोड़ा। बपीदा से? हाँ, कल उनका फोन आया था, कहते मेरी एक चेन नहीं मिल रही। सुनिधि आप प्लीज मुझे ये गाना सिखा दो ताकि मैं इस आदमी का ना मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूं। बैठो सुनिधि, ऐसे दो लाइनें चेक करते हैं थोड़ा। आप गा दो, पीछे से लिप सिंक होगा, लाइक प्लेबैक सिंगिंग। नहीं नहीं, लिप सिंक तो बहुत अच्छे, लिप तो भगवान ने आपको जितना बड़ा गला दिया ना। देखो कपूर शर्मा, लोग ना पैसे देके बनवाते हैं, I am blessed naturally. Yeah. So shut up. हो गया तुम्हारा? क्या है ये? तुम्हारी लिए हमको भूख लगती ना बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच सुनीली, आपने मेरी इज्जत बचा ली, थैंक यू सो मच। थैंक यू, तुमने जो हमारी खराब कर दी वो। तुम तो यार रहने दो, तुम यार खाओ, सरला रखो, अरे बेचो पैसे कमाओ, चार क्या कर रही हो सरला? निकाल गई अपना पैसे। सुनिधि हम लोग ना छोटा सा रोजी रोटी के लिए धंधा चलाते हैं। हाँ। सिटी केबल, आपको खाली उसमें गेस्ट बनना है। ओके। और सवालों के जवाब देने हैं, फटाफट लेके आइए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, के भैल करोड़पति में उन सभी लोगों का स्वागत है जो हमारा शो देख रहे हैं, और जो लोग हमारा शो नहीं देख रहे हैं अगर मैं उनका स्वागत नहीं करूंगी तो वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, क्योंकि वो वैसे भी नहीं देख रहे हैं। तो आज हमारे इस खेल में मौजूद है एक बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड लड़की के सामने बैठी हुई एक और बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड लड़की, सुनिधि चौहान। और इनके साथ मौजूद हैं इनके बहुत ही हैंडसम हस्बैंड मिस्टर हितेश सोनिक। चलिए फिर खेला शुरू करते हैं। बम्पर, मैं यहाँ सिलेंडर भरने आई हूँ, मेरा तो इंट्रोडक्शन दो। ओह आई एम सो सॉरी, इनका तो रह गया, तो इनका भी इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो ये हैं हमारे साथ जिनके ना होने पे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सरला। हेलो, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी ऐसी की तैसी। अच्छा तो फिर तेरी वैसी की वैसी, तेरी जैसी की ऐसी। हिम्मत दा तो फोन उठा। फोन नहीं उठा रहा, देखो ये शादी नहीं हो सकती। ये शादी नहीं है, ये खेल है। हाँ तो शादी भी खेल ही होता है, कोई आदमी कितना बड़ा प्लेयर हो आउट हो ही जाता है। चलना मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो, तुम्हारा जन्मदिन था, मैं केक नहीं काट पाया, मैंने फिर किसी का रास्ता काट के इसका जन्मदिन मना लिया। मैं केक लाना भूल गया था। अरे नहीं, वो चाचा जी भुलक्कड़ हैं, कल तो पाजी इन्होंने अखबार में रोटी लपेट के लाए, खाने के वक्त अखबार खा गए और रोटी पढ़ने लग गए। एक्चुअली मैंने अखबार इसलिए खाया, उसमें खबर बड़ी मजेदार थी, पुलिस ने किए एक किलो रसगुल्ले जब, मेरे तो रहा नहीं गया, और मैंने रसगुल्ले की फोटो देखी, मैंने अखबार खा लिया। सिद्धू जी आप यकीन नहीं करेंगे, उसकी बैक साइड पे इमरान हाशमी की फोटो थी, मेरे मुंह से सुबह से चुम्मियां निकल रही है। मैं तुम्हें एक बात बतानी भूल गया, ये बगल में जो पड़ोसी है उसने चूहे दानी में रोटी पिसा के रखी है, इससे पहले चूहा खाए फटाफट जाग खा लो, तुम फंस गई, मैं तुम्हें छुड़ाने आ जाऊंगा। चलो चाचा जी, आपको शर्म नहीं आती अपनी भतीजी का मजाक उड़ाते हुए? हाँ तो भतीजी का प्लेन तो है नहीं जो मैं वो उड़ाऊं। अच्छा मैं भी इस खेल में खेलूंगा, मैं भी एक्सपर्ट हूँ, मैं सिद्धू साहब इतना एक्सपर्ट हूँ मैं पनीर का दूध बना देता हूँ। वाओ, आप पनीर का दूध बना लेते हैं? हाँ जी। मैं दूध की भैंस बना लेती हूँ। अच्छा सबको पता है दूध से भैंस नहीं बनती, दूध पी पी के ये भैंस बन गई है। साहब आपको पता है एक भैंस इसके हत्थे चढ़ गई। अच्छा? इसने उसका इतना दूध पिया इतना, वो भैंस बकरी बन गई है। चलिए इस मनुष्य को पूरी तरह इग्नोर करते हुए हम खेला आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले सवाल मैं पूछती हूँ, पूछ रहे 1 करोड़ रुपए के लिए। अब मेरा भी सवाल है, 1 करोड़ देगा कौन?
जिनके पास होगा वो देगा. जिनके किनके? अरे उनके जिनके पास होगा. जिनके किनके? अरे उनके जिनके किनके. क्या चुप चुप. अच्छा ये तो ऐसे भड़क रही जैसे मैंने किसी सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया. इधर आओ मैं सवाल पूछूंगा. क्या को भी थोड़ा खेलने दो. आइए खेलिए, देखते हैं कैसे खेलते हैं आप. आइए आइए पूछिए आप. पहले उधर जाओ. आपके बस की बातें नहीं. पूछिए पूछिए पूछिए. इस सवाल का कोई नाम नहीं है, कोई पैसे नहीं मिलेंगे, एंटरटेनमेंट के लिए है. सवाल ये है, आज ये बताइए म्यूजिक से आप बिलोंग करते हैं, तबले पे पाउडर क्यों डालते हैं? आपकी ऑप्शन, ऑप्शन ए उसको घुमोरिया होती है इसलिए, ऑप्शन बी उसको पसीना ज्यादा आता है इसलिए, ऑप्शन सी पाउडर लगाने के बाद बजाते टाइम चोट नहीं लगती इसलिए, ऑप्शन डी हमने नहीं दी. अब बताओ. एक मिनट, इसका जवाब मैं देती हूँ. तबली जो होते हैं ना एक्चुअली लेडीज होते हैं, तो इसके लिए उनको मेकअप करके ना ऐसे अपने आप को खूबसूरत दिखाना होता है. बेटे मेरी तरफ से लैंडलाइन उठा के इसके मुंह पे मारो. एक सेकंड, बहुत बकवास हो गया. एक सवाल मैं करूंगी. हाँ इनका सवाल ना हमेशा पापी पेट के लिए होता है कि लंगर कहाँ लगा है. बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल सही बात की थी. मेरा सवाल है, अगर डीवीडी प्लेयर है तो वो प्लेयर आईपीएल में क्यों नहीं खेलता है? आपके ऑप्शंस हैं. कैसी बेवकूफ वाली बात की, डीवीडी प्लेयर है तो आईपीएल में क्यों नहीं खेलता. तुम्हारे ऑप्शंस हैं ए यहाँ से निकलो, बी यहाँ से निकलो, सी जहाँ से दिल करता निकलो, और डी निकल जाओ दफा हो जाओ. मैं बहुत अच्छा एक सही सवाल पूछना चाहूंगा आप सबसे, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल सवाल है. सवाल ये है कि सिद्धू साहब कितना कमाते हैं? अगला सवाल बंद कर. ऑप्शन ए ज्यादा, ऑप्शन बी बहुत ज्यादा, ऑप्शन सी जरूरत से ज्यादा, या ऑप्शन डी इतना कमाते हैं कि ऑप्शन ही नहीं है. बताइए. हमको अभी तक पता नहीं चला ये कितना कमाते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक ट्वीट करके बताया नहीं कि ये टैक्स कितना भरते हैं. एक बार बता देंगे तो हमें पता चल जाएगा. चेंज द टॉपिक. एक और सवाल सिद्धू जी, एक मैच में, ओए एक मिनट, एक मैच में आपने, मेरी बात सुनिए, एक मैच में आपने बहुत सारे छक्के मारे थे. और दूसरे मैच में फिर देखिए, मेरा सवाल सुनिए पहले. और एक मैच में गलती से जीरो पे आउट हो गए थे, और जब ये आउट हुए थे इनके मुंह से क्या निकला था? ऑप्शन ए ओ तेरी, ऑप्शन बी ठोको ठोको, ऑप्शन सी छागे गुरु, या ऑप्शन डी बार मिल तेनु देख लांगा. क्या कहना चाहेंगी? छागे गुरु. बहुत अच्छा जवाब, आप चुनाव जीत गए. जीत गए से आपका क्या मतलब, वो बहुत पहले जीत चुके हैं. हाँ तो तुम्हें अभी तक पता नहीं चला था, मैं तो ऐसे चेक कर रहा था. सिद्धू जी ऐसी औरत है, ये वोट डाल लेंगे, ये आपको बताता हूँ. इलेक्शन के दिनों में एक आदमी का चुनाव निशान था ऊंट. इसने इतनी जोर से ठप्पा मारा, ऊंट का कूबड़ फ्लैट हो गया. वो घोड़ा बन के भाग गया. आपको पता है आपकी बातें ना काफी इंग्लिश गानों की तरह होती हैं. सुनने में बड़ा मजा आता है लेकिन समझ में कुछ नहीं आता. अथू आप दोनों म्यूजिक इंडस्ट्री से हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. हिमेश रेशमिया उनमें कौन सा रेशम लगा हुआ है? आपके ऑप्शन है ए क्या बोलती तू, बी पॉजिटिव, ई विटामिन, डी पोलैरिटी. ये क्या फालतू के ऑप्शन दिए आपने. देखो इतना बड़ा मुंह, इसको लॉकर में जमा कराओ और ताला लगाओ, नहीं तो मैं चाबी फेंक के मारूंगा, इधर निशान पड़ जाएगा तुम्हारे. बीच में बोलती फुकवास कर रही हो. एक सवाल बड़ा, बीच में नहीं बोलना. म्यूजिक डायरेक्टर फिल्मों में म्यूजिक देते हैं, तो वो लेते कहां से हैं? मतलब आप आगे फिल्मों में देते हो, आप कहां से लेते हो? इसमें कोई ऑप्शन नहीं, जो आपका दिल करे आप जवाब दे सकते हैं. अच्छा एक बड़ा इंटेलेक्चुअल सवाल है आपके लिए.
कि हारमोनियम में एक सुर ब्लैक होता है, एक वाइट होता है. व्हाई दिस रेसिज्म? आपके ऑप्शन है, व्हाइट वाले ठंडी जगह से आते हैं. ऑप्शन बी, व्हाइट वाला भी ब्लैक था, उसने टैक्स भर के व्हाइट कर लिया. ऑप्शन सी, ब्लैक वाला धूप में ज्यादा घूमता है, टैन हो गया. आप इतनी बातें करते हैं, आपका बिल तो बहुत ज्यादा आता होगा. कौन भरता है? बैंगन भरता है. ये मैंने, मेरे को भूख लगी थी, मैंने सब्जी वाला आंसर दे दिया. वेज आंसर. देखिए ऐसा है, हमारे पास पैसे है नहीं, हम लोग वैसे टाइम पास कर रहे थे. एक सेल्फी एक बार. सुनिधि चौहान और हितेश के लिए जोरदार तालियां. आइए. बहुत अच्छी फोटो आई. थैंक यू. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.